गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन इज़ द लास्ट लेसन रिटन बाई अल्फोंसे डाउटेड। ही इज़ अ फ्रेंच राइटर एंड द लेसन हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। एंड द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड हिज स्कूल डेज व्हेन जर्मन अटैक द फ्रांस एंड दे हैव टेकन ओवर स्टेट। इन दिस लेसन द राइटर टेल्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड मदर लैंड। देर आर थ्री कैरेक्टर्स इन द लेसन, फ्रॉन, मिस्टर हमेल एंड ब्लिंसकी पुट। फ्रॉन इज द स्टूडेंट हु नरेट्स द स्टोरी। मिस्टर हमेल द टीचर हु टीचेस फ्रेंच इन द स्कूल। एंड ब्लिंसकी पुट केम टू स्कूल एंड सिट बिहाइंड द स्टूडेंट्स। इसमें ऐसे आप समझ लें कि लेखक एक डिप्रेस्ड स्टूडेंट है और डिप्रेशन का कारण क्या है, उसे स्कूल की कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी और अपने भाई के साथ जब पेरिस रहने गया तो वहाँ पर जाकर पत्रकार बन गया था, तभी उसने अपना जीवन एज ए राइटर स्टार्ट किया था। हम टेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on the participle, and I did not know the first word about them. मैं सुबह बहुत जल्दी चल पड़ा। Started for ये phrase है, चल पड़ना। मैं सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए चला और एक भयंकर है से ग्रसित था डांट के पढ़ने, स्कोल्डिंग कहते हैं डांट। खास तौर से मिस्टर हेमल हमको पार्टिसिपल प्रश्न पूछने वाले थे। पार्टिसिपल आप जानते हैं ग्रामर में नॉन फाइनाइट्स का हिस्सा होता है, पार्टिसिपल इंक्लूडेड जीरंड, और मुझे पार्टिसिपल का एक भी शब्द ज्ञात नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं भाग जाऊँगा और अपना पूरा दिन घर के बाहर ही रहूँगा, जैसे आमतौर बच्चे जो स्कूल से बंक मारते हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि घर से स्कूल टाइम तक कहीं बाहर बैठे रहेंगे, स्कूल का टाइम भी जाएगा, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। पहले लेखक ने ऐसा सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और बाहर का मौसम बहुत ही चमकदार बहुत सुंदर था। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पेड़ की शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड द ओपन फील्ड बैक टू द सॉमिल एंड प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और दूसरे तरफ शहर में जर्मन सैनिक एक तरह से ड्रिल करते हुए आ रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा आकर्षक था कि मैं ये सारी चीज़ें देखूँ, इनका एंजॉय करूँ। But I had a strength to resist and hide out of school. लेकिन मैं मेरे अंदर इन सब को रोकने की क्षमता थी, आत्मनियंत्रण था। You had resist रोकने की प्रतिरोधक क्षमता, इसी से resistance शब्द आता है जो आप साइंस में पढ़ते हैं, ओम का नियम प्रतिरोध। इसलिए मैं स्कूल के लिए और जल्दी मैंने की। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. सूचना पट के बाहर बड़ी भीड़ थी जब मैंने टाउन हॉल को पार किया। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 साल से हमारे लिए जितनी बुरे समाचार थे उसी बुलेटिन बोर्ड पर, सूचना पट पर लिखे जाते थे। The lost battles, the drafts and order of commanding officers, हमारे हारे युद्ध, हमारे लिए पतजात और हमारे नियंत्रण करने वाले अधिकारियों की आदेश, सब कुछ उसी पर लिखा जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैंने बिना रुके ये सोचा क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैंने उतनी जल्दी की जितनी जल्दी मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ द वॉचर हु वाज देयर विद द अप्रेंटिस, लोहार के यहाँ पर जो एक नौसिखिया ट्रेनिंग आया था, अप्रेंटिस कहते हैं जो ट्रेनिंग करने आते हैं,
वो बुलेटिन को पढ़ रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, दोस्त इतनी जल्दी मत जाओ। फ्रेंच में दोस्त को बब कहते, जैसे अपने आप बडी कहते हैं, ऐसे फ्रेंच में बब कहते हैं। यू गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें दौड़ के जाने की जरूरत नहीं, अभी स्कूल जाने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मैंने सोचा तू मेरा मजाक बना रहा है। अपनी पूरी उखड़ी हुई सांसें संभालते हुए, यानी हाँफते हुए, मैं स्कूल में मिस्टर हैमर के गार्डन में पहुंच गया। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर स्टडिंग।